theorem ka concept now. Now we shall start with the exercise. Find the remainder when, first one, find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by first one, x plus 1. Okay. तो obviously p of x को ऊपर वाला लेगा, ये logical है. First जो बड़ा है जिससे divide करना है वो g of x, और जो division करेगा, जो division खाएगा वो हम p of x लेंगे. ये standard है, इसको बदलना मत, ये standard है. जो हाईएस्ट पावर, जो नंबर है वो p of x है, जिसे डिवीजन करना है वो g of x. अब तुझे पता है तू क्या करेगा, तुझे पता है g of x को जीरो डालेगा और वन को इधर लेके जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस वन. अब क्या करेगा, ये माइनस वन का वैल्यू, दिस माइनस वन वैल्यू यू विल सब्स्टिट्यूट हियर. So you get p of minus 1. Okay. So you get p of minus 1. Okay. P of minus 1. So you get minus 1 ka cube plus 3 into minus 1 ka square plus 3 into minus 1 plus 1. Correct? Okay. The polynomials is all about sign. Repeat. Polynomials is all about signs. If you go wrong in sign, अगर तू sign में wrong गया, पूरा का पूरा गया पानी में, सब कुछ पानी में गया. अगर तू signs को wrong गया, negative का odd power is negative, plus negative का even power is positive, 3 आएगा, plus into minus, minus 3, plus 1, वाह, plus 3, minus 3, minus 1, plus 1, 0. अगर 0 आया, मतलब क्या, कैन एनीबडी टेल मी, जीरो आया इसका मतलब क्या? मेरे को मत बोलना सर जीरो आया तो रिमाइंडर जीरो है. नहीं, रिमाइंडर जीरो है वो करेक्ट है. मतलब क्या, कैन एनीबडी टेल मी एस्टरडे वी डिड. अगर जीरो आया इसका मतलब क्या, इट इज अ फैक्टर. जीरो आया यानी इट इज अ फैक्टर, करेक्ट. यही तो किया था, सब्स्टिट्यूट करने पर जीरो आया तो वो उसका फैक्टर है, करेक्ट और नो, यस और नो. सब्स्टिट्यूट करने पर अगर जीरो आया तो वो उसका फैक्टर है, यानी क्या, लेट मी एक्सप्लेन. बोले तो एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है, सर कैसे मालूम पड़ा एक्स प्लस वन फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो आया, करेक्ट. जब भी रिमाइंडर जीरो आएगा यानी वो उसका फैक्टर है. मतलब सम बच्चों ने कमेंट किया, इट मींस इट इज कंप्लीटली डिविजिबल. क्या अब तुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? करेक्ट है, अब तुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. ठीक है, ओके, डन. चलो लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. We are seeing the next problem now. इसका सेकेंड वन
इसका सेकेंड वन. सेकेंड वन है x माइनस हाफ. ओके, सो एज हमने बोला था, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1 और g ऑफ x को डालेंगे x माइनस हाफ, इसको इक्वल टू 0 डालेंगे. ओके, ये इधर जाएगा. सो x क्या मिलेगा, x मिलेगा हाफ, करेक्ट है, x मिलेगा हाफ. ऐसे हम डिटेल में लिखेंगे, ऐसे डायरेक्टली लिखना वो एग्जाम में मार्क्स नहीं देंगे, हम इसको सब डिटेल में लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम ऐसा डिटेल में लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं देंगे. आई बता रहा हूं, बाय रिमाइंडर थ्योरम, p ऑफ माइनस हाफ वैल्यू गिव्स, p ऑफ माइनस हाफ गिव्स रिमाइंडर ऑफ दिस एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1, करेक्ट है ना. रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से जब p ऑफ हाफ डालूंगा इसका वैल्यू गिव्स रिमाइंडर ऑफ दिस. सिंपल, यही तो बोला, यही तो है, जब इसमें हाफ डालूंगा तो इसका वैल्यू हमें रिमाइंडर देगा. ऐसे एग्जाम में लिखना बाय रिमाइंडर थ्योरम पी ऑफ हाफ, एक्स की जगह हाफ डाला, पी ऑफ हाफ वैल्यू गिव द रिमाइंडर ऑफ दिस पी ऑफ हाफ. अब देखते हैं क्या होगा. हाँ, डाल मेरे को आंसर, बोल क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूट कर, वैल्यू डाल, आंसर बोल क्या आ रहा है. ओके, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू रिप्लाई. करेक्ट है, बच्चा करेक्ट बोल रहा है. हाफ 1/2 का क्यूब + 3/1 का स्क्वायर + 3/1 + 1, कुछ नहीं बोले तो वन. 1/2 का क्यूब इज 1/8, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 1 = 3/2 + 1/2. टेक एलसीएम, एलसीएम इज 8, 8/8 = 1, 8/4 = 2, 8/4 = 8/2, 8/2 = 4, 8/1 = 8, 1 1 3 2 = 6, 4 3 = 12, 8 1 = 8. How much is the remainder? When you divide, how much is the remainder? The remainder is 27/8. Correct. 27/8. I think so, you got an idea now. हर बार ये स्टेटमेंट लिखना. By remainder theorem, you get this. हर बार ये स्टेटमेंट लिखना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. एवरी टाइम प्लीज राइट दी स्टेटमेंट. ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट तुझे समझ में आया कि नहीं आया?
I think so. Now you are. No, what I am telling you, do that much only, Diya. Okay. I am rubbing the board. Shall I go with the third one? Shall I go with the third one? Yes. Everybody's notebook should be complete. Everybody's notebook should be complete. Second, third one. X. X ही है. X ही है. थर्ड वन X ही है क्या? Yes, X ही है. कुछ नहीं कर सकते, X ही है. हाँ, X है तो क्या है? तो अभी G of X को X बोलेंगे, is equal to zero. तो X को zero डालना है. X ही है और X को zero ही डालना है. दूसरा कोई मतलब P of zero डालना पड़ेगा. P of zero. Zero का cube. 3 into 0 का स्क्वायर 3 और 0 प्लस 1 सब 0 आएगा बचेगा p ऑफ 0 इज व्हाट 1 क्या 1 बचा करेक्ट है थर्ड वन x ही है तो g ऑफ x को x इज इक्वल टू 0 ही डालना है तो सब जगह 0 ही है सो सिंपल ऐसा सम आना नहीं चाहिए एग्जाम में ऐसा सम आना नहीं चाहिए एग्जाम में थर्ड वन हो गया फोर्थ वन करेक्ट करेक्ट और नो कॉन्सेप्ट के लिए डाउट लू ओके लेट अस गो अहेड x प्लस पाई ठीक है g ऑफ x को डाल x प्लस पाई इक्वल टू जीरो डाल यू नो अंडरस्टूड और नो x प्लस पाई को जीरो डाल ये इधर गया तो x क्या आया माइनस पाई करेक्ट है ये इधर गया x माइनस पाई मतलब p ऑफ माइनस पाई डाल ओके डोंट टॉक नॉनसेंस सर पाई को 3.14 डालो सर पाई को 22/7 डालो ऐसे सब नॉनसेंस बात करना भी मत ऐसे सब बातें करना मत x को माइनस पाई डाल ओके तो इधर आएगा इधर मैं डाल रहा हूं वैल्यू जस्ट सी मैं डाल रहा हूं वैल्यू माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 का पाई माइनस माइनस पाई माइनस माइनस साइन साइन माइनस हा मैं अच्छे से लिखता हूं 3 ऑफ माइनस पाई प्लस 1 यू हैव टू बी केयरफुल विद साइंस ये लगता है पांचवी बार बोल रहा हूं यू हैव टू बी केयरफुल विद साइंस नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव आएगा नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव आएगा प्लस 3 नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू पाई 3 पाई प्लस 1 ये है पी ऑफ माइनस पाई इकला बच्चा मेरे को पूछेगा सर आगे सॉल्व करो क्या कोई जरूरत नहीं है आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है आंसर इतना ही है आंसर इतना ही है ठीक है अब आगे जाओ कॉपी कर आधा मिनट के लिए रोका हूं मैं उसके पहले एक जस्ट ग्लैंस ओवर चैट बॉक्स एक बार जस्ट एक ग्लैंस ओवर चैट बॉक्स
अभी बोला मैं वापिस से वही बोलता है. ओके डन. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्लियर. शाल आई गो विथ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. शाल आई गो विथ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. Everybody should be copying in their notebooks and then your books will be corrected. You have to submit it and those names will be made public. 5 plus 2x. Okay. So g of x ko dal 5 plus 2x equal to 0. Pehle bol, kisko shift karega? 5 ko shift karega ki 2x ko shift karega? 5 को शिफ्ट करेगा कि 2x को शिफ्ट करेगा? कॉमन सेंस सर, हमेशा नंबर को ही शिफ्ट करते हैं. सर हमेशा नंबर को ही शिफ्ट करते हैं. 2x इज इक्वल टू माइनस 5. अब मोनोमियल हो गया. ये बाइनोमियल था. बाइनोमियल हमेशा बाजू में जाता है, मोनोमियल हमेशा नीचे आता है. माइनस 5 बाई 2. हाँ, सो p ऑफ माइनस 5 बाई 2 डाल, ऊपर वैल्यू डाल. तू कर सर के लिए मत रुक, तू कर. कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा, तेरा कैलकुलेशन बहुत स्लो है. माइनस 5/2 का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट माइनस 5/2 प्लस 1. कुछ नहीं बोले तो 1, तुझे पता है, कुछ नहीं बोले तो 1. वापिस से सेम कहानी आया. नेगेटिव का ऑड पावर साइन. साइन मैं बोला, पॉलिनोमियल्स इज ऑल अबाउट साइन. पॉलिनोमियल्स इज ऑल अबाउट साइन. नेगेटिव का ऑड पावर इज नेगेटिव. 5 का क्यूब 125. मैंने ये भी देखा है, बच्चा क्या क्या करता है बोलो. ऊपर को क्यूब करता है, नीचे को क्यूब करता ही नहीं है. मतलब ग्रेड ग्रेड काम करते हैं बच्चा. ऊपर को क्यूब करता है, नीचे को क्यूब करता ही नहीं है. सर किया ना ऊपर का क्यूब, नीचे भी है ना. 2 का क्यूब इज 8. नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव 3. 5 का स्क्वायर 25. 5 का स्क्वायर 25. 2 का स्क्वायर 4. प्लस इनटू माइनस माइनस. 5 3 15 / 2 प्लस 1/1. मिस्टेक्स किधर किधर होता है देखा है ना. 25 3 75. 8 4 2 1. एलसीएम इज 8. 8 divided by 8 1. 8 divided by 4 2. 8 divided by 2 4. 8 divided by 1 8. -1 × 125 -125 plus 25 3 75. ध्यान से देखना. 25 3 75. 75 2 150. 15 negative sign. 15 4 15 4 60. Correct. And 8 1 8. अभी तो कॉमन सेंस यूज करना. सेम साइन को एड करना, डिफरेंट साइन को सप्रैक्ट करना. रिपीट. सेम साइन को एड करना, डिफरेंट साइन को सप्रैक्ट करना. 150 में से 125 गॉन, यू आर लेफ्ट विथ 25. -60 में से पॉजिटिव 25, 150 बड़ा है इसीलिए. 60 में से 8 गॉन. ये ग्रेट पीपल मैंने देखा है, मैं देखा 60 में से 8 गॉन प्लस 52 बोल बाय ऐसा लिखता है प्लस 52. अरे बाबा सी द साइन, 60 बड़ा है -60 है ना. सी द साइन एटलीस्ट. -60 plus 8 इज -52 रे. नाउ यू टेल व्हाट इज इसका आंसर. मिस्टेक्स देखा. आई टोल्ड यू एवरी चांसेस वेर बच्चा विल डू मिस्टेक. सी सब्रैक्शन भी नहीं आता है बच्चों को. मैं एक एक देख रहा हूं.
बच्चों को सप्रैक्शन भी रॉन्ग बता रहा है। देख इतना सप्रैक्शन भी नहीं आता है, आंसर आता है 27/8 और कितने बच्चों का मैसेज आ रहा है 33। कितने बच्चों का मैसेज आ रहा है सर 33। मतलब आई एम वंडरिंग 9th स्टैंडर्ड पहुंचा कैसे, 25 में से 52 सब्रैक्ट करना, 33 बोल रहे मेरे को, पीपल आर 33 बोल रहे हैं, क्या बोलेगा ऐसे सब बच्चों को, सब्रैक्शन नहीं आता है रे, 9th में सिंपल सब्रैक्शन में बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, वेरी बैड रे, दिस शोज योर फोकस इज वेरी लो, करेक्ट, क्लियर है, क्लियर और नो, रिमाइंडर इज -27/8, क्लियर, ओके।